तलसबरिया पुलिया निर्माण कार्य में घोर अनियमितता को लेकर मुखिया संघ के अध्यक्ष ने जमकर फटकार लगाई। मुखिया संघ के अध्यक्ष महताब आलम के शिकायत पर एसडीओ ने पुल निर्माण कार्य की जांच कर पुलिया को तोड़कर पुनः पुलिया निर्माण कार्य करने का आदेश दिया। मचियाओं प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बाई बाकी जलाशय नहर निर्माण कार्य में घोर अनियमितता का मामला प्रकाश में आया है। उक्त विषय के संदर्भ में आपको बताते चले कि पुल निर्माण कार्य का आदेश हार्दिक कंस्ट्रक्शन को दिया गया है, परंतु उसके द्वारा तलसबरिया में पुल निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर पुल का निर्माण कराया जा रहा है। जब संबंधित मामले की जैसे ही जानकारी स्थानीय मुखिया सह मुखिया संघ के अध्यक्ष महताब आलम को मिली तो उन्होंने पुल निर्माण कार्य को रोक लगाते हुए एसडीओ से निर्माण कार्य का जांच करवाया। इस संबंध में जानकारी देते हुए पंचायत मुखिया महताब आलम ने कहा कि हम अपने पंचायत क्षेत्र के सेमरहक में बीडीसी प्रतिनिधि जिया खान, शेख मुनाजिर इरफान खान कंबल वितरण करने गए हुए थे। उसी दौरान देखा कि नहर निर्माण कार्य करा रही हार्दिक कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा पुलिया का निर्माण घटिया कराया जा रहा है, जिसको लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को सूचना दी गई। वहीं सूचना पाते ही एसडीओ मधुरेंद्र कुमार सिंह एवं कनीय अभियंता मनोज राम ने पहुंचकर पुल निर्माण कार्य को देखा। इस दौरान एसडीओ मधुरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि पुल का घटिया निर्माण किया गया है, साथ ही इस पुल को तोड़कर पुनः बनाने का आदेश दिया। इधर पंचायत मुखिया महताब आलम ने कहा कि मचियाओं से तलसबरिया चाका तक नहर निर्माण कार्य बिल्कुल घटिया तरीके से बनाया जा रहा है, जिससे यहां के लोगों में रोष देखी जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य करा रहे कंपनी के ऊपर जांच होनी चाहिए और जांच करके कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए और इस तरह से घटिया निर्माण करा रही कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार अरबों की लागत से नहर निर्माण कार्य करवा रही है, लेकिन कंपनी के द्वारा पत्थर, सरिया एवं सीमेंट सहित अन्य सामग्री थर्ड क्लास लगाकर निर्माण कर रही है, सरकार का भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। साथ ही मुखिया ने कहा कि इसी शिकायत को देखते हुए वरीय पदाधिकारियों से की जाएगी। वहीं जांच के दौरान हार्दिक कंस्ट्रक्शन के इंजीनियर के रवि चंद्रवंशी भी उपस्थित थे।